इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का फाइनल मैच है ढोलकपुर और इंडी डीप के बीच में, और पहले बैटिंग इंडी डीप करने वाले है। थोड़ा पीछे, तुम ठीक हो चुटकी? हाँ बस वही रहो। ऐसे कैसे छोड़ दिया रे? मनु कैच। ओह बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया इन्होंने। और ये एक और फोर। जोधपुर की बॉलिंग जितनी अच्छी है, फील्डिंग उतनी खराब है। उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं इंडी डीप के बैट्समैन। और इस बॉल के साथ पहला इनिंग समाप्त होता है। ढोलकपुर के सामने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है इंडी डीप वालों ने। मार्शल जैसे खतरनाक बॉलर का सामना खेलते हुए क्या ढोलकपुर वाले इतना स्कोर बना पाएंगे? अगर उनकी बैटिंग उनकी फील्डिंग जितनी खोखली हुई तो जीतना ढोलकपुर के लिए नामुमकिन है। दोस्तों डरो मत, बॉल पर ध्यान दो ना कि बॉलर पर। फिर मार्शल हो या कोई और, डर पैदा नहीं कर सकता। ढोलकपुर की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे हैं भीम और कालिया। सामना करेंगे मार्शल की तूफानी बॉलिंग का। मार्शल अपनी पूरी जोर लगा के अटैक कर रहा है और एक खतरनाक बाउंसर। भीम ने समझदारी से डक किया। इस बार ये नहीं बचेगा, ये आउट होकर बाहर जाएगा या मार खाकर। भीम और मार्शल के बीच इस प्रतियोगिता में मार्शल जीतता हुआ नजर आ रहा है। शानदार शॉट। इसको बैटिंग नहीं धुलाई कहनी चाहिए। ढोलकपुर टीम में आत्मविश्वास जगा दिया है भीम ने। ये क्या विकेट, बहुत जल्दी गिर रहे हैं। अब नए बैट्समैन है मन्नु। मन्नु संभालो अपने आप को। मैं दौड़ नहीं पाऊंगा भीम। हम सब एक टीम है मन्नु, तो जग्गू तुम्हारे लिए दौड़ेगा। अब खेलूंगा और इन इंडिया डीप वालों को हरा कर घर भेज दूंगा। ये हुई ना बात। दोनों ही बैट्समैन बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। जग्गू अब दो बॉल्स में 7 रन्स चाहिए जीतने के लिए। अब ये आखिरी बॉल है और जीतने के लिए 6 चाहिए। एक तरफ है खतरनाक बॉलर मार्शल और दूसरी तरफ भीम। क्या भीम ये कर पाएगा? ढोलकपुर ने इंडी डीप जैसे खतरनाक टीम को हराकर इस इंटरनेशनल कप को जीत लिया है। बहुत बढ़िया भीम, बहुत ही बढ़िया। और ये मैच की पहली बॉल ढोलू को चुटकी ने स्पिन करी। ढोलू पहले तो घबराया, फिर बैट घुमाया। भीम, भोलू और कालिया सभी बॉल की ओर भागे। हवा में लपका और ये कैच आउट। अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है, चौके छक्के लग रहे हैं। और अब बॉल फेंक रहा है कालिया, बैटिंग कर रहा है भीम। खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। वो हमारी बॉल। वो हमारी बॉल। नमक डालना तो भूल ही गया। और अब बॉल का सामना कर रहे हैं राजू। ओह
बच्चे नहीं आफत हो। क्या आपको बॉल लगी? हम माफी चाहते हैं। निकलो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं खेलोगे, गांव में जाकर खेलो, यहाँ मैं कैंप करूँगा। पर हमारी वजह से लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए तो हम गांव से बाहर आकर यहाँ खेल रहे हैं। अरे वैसे भी यहाँ कैंप करना मना है, इस बोर्ड पर लिखा है कैंप थोड़ा दूर करोगे तो वहाँ बॉल नहीं आएगी। मुझे यही जगह पसंद है, मैं तो यही कैंप करूँगा। तुम बच्चों को ही यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हारी बॉल वापस ही नहीं करूँगा, तो खेलोगे कैसे? दोस्तों बॉल यहाँ है, जल्दी चलो। हाँ, मैं यही कैंप करूँगा। आज का गेम मैं ही जीतूंगा, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और ये राजू की पहली बार कालिया को, और ये बॉल उड़ती हुई गई वापस गुस्सेल आदमी के कैंप की तरफ। तैयार हो राजू? बिल्कुल तैयार। फिर से? तुम बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती क्या? मेरे घर की खिड़कियां तो तोड़ ही दी है और अब मेरे दांत तोड़ने पर तुले हो। ठीक है माँ, गुस्सा मत हो, हम कहीं और जाकर खेलते हैं। आउट! अब मेरी बारी। मैं आउट नहीं हूँ। भीम ने लाइन के आगे से बॉल डाली है। राजू तेरी बारी फिर से आ जाएगी, अब जग्गू को खेलने दे। ठीक है, पर अब गेंदबाजी मैं करूँगा। ठीक है। खराब कर दी, और ये बॉल तुम्हारी है, इसका मतलब तुमने मेरी नींद खराब की है। ये बॉल तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। देख कालिया, चुपचाप से बॉल वापस कर वरना। अब ये बॉल तो तुम्हें एक ही शर्त पर वापस मिलेगी। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें मुझे भी खिलाना पड़ेगा। और हमें भी। क्यों? तुम्हें क्यों खेलने दे हम? अरे राजू, और ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। सब मिलकर खेलने की सबसे अच्छी जगह ढूंढते हैं। मुझे तो ये जंगल ही खेलने की सबसे अच्छी जगह लगती है। पर हम यहाँ नहीं खेल सकते जग्गू, ये पेड़ बॉल को रोक लेंगे। और बॉल किसी चिड़िया के घोंसले में जाकर लगी तो? थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। मैं तो थक गया, मुझे नहीं खेलना, ये लो अपनी बॉल। पर उस्ताद मुझे तो खेलना है। अरे ढोलू, आलसी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं। बस अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। अरे ये त-
करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो, मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है, हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो राजू, ढोलू भोलू, ढोलू भोलू, कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा,
कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओ, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया, तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चला कर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छचुंदरो। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तेजी मोला? हाँ, इन सारे चाय के बागान से भी ज्यादा खूबसूरत है हमारी राजकुमारी। जब वो यहाँ पर खेलती थी तो इस चाय की खुशबू दुगनी हो जाती थी। महारानी उम्मीजान तो यही कहती है कि राजकुमारी इस जंगल में खो गई, पर सब जानते हैं कि राजकुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती है एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता, कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। स्कूल को ढूंढना इतना आसान नहीं है, कोई भी नहीं ढूंढ पाया। और आसाम के जंगल भी बहुत घने हैं। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए, हम ये बात जानते हैं कि हम उस स्कूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो फिर चलिए इस बहाने आसाम के जंगल भी देखेंगे। पेड़ मेरी ताकत के आगे टिक नहीं सकते भीम।
पड़ेगा। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि तुम पहले ही कड़वा खाकर आई हो। मुझसे मजाक? ये लो। चुटकी, ये लो। शुक्रिया, मैं कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था।